65 बच्चे हैं जो कि शिविर में भाग ले रहे हैं। और इस शिविर का हमने एक विशेष थीम रखा है, वो है प्लास्टिक मुक्त हो शहर हमारा। वैसे तो हमारी ये जो इकाई है वो 2 साल से इसी थीम पर काम कर रही है। बहुत सारा प्लास्टिक इन्होंने इकट्ठा किया है, म्यूनिसिपल ऑफिस में भी इन्होंने प्लास्टिक पहले जमा करवाया है, और पॉलीब्रिक्स भी हमने बहुत बनाई है पहले वनडे कैंप लगा करके। और इस बार भी जो है बच्चे पॉलीब्रिक्स बना रहे हैं और प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं सारे। बरसात की वजह से हमें बहुत सारे चैलेंजेस आए इस कैंप के दौरान, क्योंकि हमने बाहर जाना था आउटिंग पे, बच्चों को लेकर के जाना था शहर में, लेकिन बरसात की वजह से नहीं जा पाए, तो इसलिए हमारी जो एक्सटेंशन एक्टिविटी थोड़ी सी लिमिटेड रही है। हम 2 दिन जो है हमने बाहर एक्टिविटी की, 1 दिन जो है हम गए थे यहाँ से रैली निकाली, हमने रैली तो किया लेकिन यहाँ से लेकर के हम यमुना घाट तक 2 ग्रुप में डिवाइड होकर के हमने प्लास्टिक इकट्ठा किया। हमारा एक एक्टिविटी कैलेंडर है NSS का, उसके अंतर्गत हम साल भर एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो तभी जो है हमारे बच्चे, तो अभी कोरोना के टाइम में भी, लॉकडाउन के टाइम में भी इन्होंने बहुत काम किया, मास्क बनाए, लोगों को घर घर में बांटे, अपने प्रधान के साथ ये टच में रहे। और कॉलेज में भी जैसे विश्व पर्यावरण दिवस पे आए तो ये जो हमने वाटिका बनाई है ये सारी हमने कोरोना टाइम में ही बनाई है।